कोरोना वैक्सीन लगवा ली आपने? बड़ी खतरनाक चीज है कोरोना वैक्सीन, कहंदे जी इस तो बाद जी औलाद नहीं होनी, अरे बंदा जो सरदार खत्म थी मर्दाना की कमजोरी हो रही है इसी वजह से। कौन से साइंसदान की रिसर्च है ये? पाकिस्तानी साइंसदान। स्टूडेंट है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो छुट्टियां मिली हैं आपको? अभी तक यही नहीं पता कि कोरोना क्या? वही कोरोना जिसने आपको छुट्टियां दिलवाई हैं। मैं तो मशवरा दूंगा मत हजरात को कि वो अपनी बीवियों का वैक्सीन लगवाएं। क्यों? अगर अपनी बीवियों का वैक्सीन लगवाएंगे ना तो 2 साल बाद वो टूट जाएंगी। उसके बाद सारे मर्द फिर के क्या करेंगे दुनिया में? मदद करेंगे और क्या? वो क्या हम क्या करेंगे? सारी दुनिया जब चली जाएगी तो हम क्या करेंगे? हम भी मर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस पोर्टल और मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान लोधी। नाज़रीन, हमारे मुल्क में कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों के दरमियान मुख्तलिफ़ किस्म के नज़रियात पाए जाते हैं। आज हम लोगों के दरमियान जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि उन्होंने क्या कोरोना वैक्सीन लगवा ली है या नहीं लगवाई, और अगर नहीं लगवाई तो इसके पीछे उनकी क्या लॉजिक है जो अब तक उन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई। चलिए लोगों की तरफ चलते हैं और लोगों के मज़े के नज़रियात आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, आपने कोरोना वैक्सीन लगवा ली आपने? नहीं नहीं, तोबा करो यार, नहीं नहीं कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई। तो क्यों नहीं लगवाई, की वजह? बात जी, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है कोरोना वैक्सीन, कहते जी इस तो बाद जी औलाद नहीं होनी, फैमिली अगे नहीं बधेगी, इस वजह तो डर गए असी, अगे विह भी कराना वा, ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਭਾਈ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਗਵਾ ਲਈ ਆਪਨੇ? ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ। ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ ਆਪਨੇ? ਅਜਨ ਬੰਦਾ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਭਾਈ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਅੱਛਾ, ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਤਾਇਆ ਆਪਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਲਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ? ਮਰਦਾਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ। ये कौन से साइंसदान की रिसर्च है? ये पाकिस्तानी साइंसदान। अच्छा, ये मुझे आपकी अपनी रिसर्च तो नहीं है कोई? नहीं नहीं, ये लगवाने का इरादा भी नहीं है? नहीं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, कोरोना वैक्सीन लगवा ली आपने? कोरोना है क्या? पूरी दुनिया कोरोना से तंग है। स्टूडेंट हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो छुट्टियां मिली हैं आपको? अभी तक यही नहीं पता कि कोरोना क्या? वही कोरोना जिसने आपको छुट्टियां दिलवाई हैं? नहीं, बस कोरोना चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है, हमें कोरोना के बारे में पता ही नहीं। हमें तो अपने माशी हालात का पता है कि हमारी गुर्बत जो है ना बहुत अरूज भी आ गई है, हर गरीब जो आदमी है बेरोजगार। गुर्बत वो एक अलग चीज़ है, ज़िंदगी भी तो जो है ना उसकी हिफाजत करना भी तो फ़र्ज है ना, तो आपने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई? जो जिसने खुदा ने दी हुई है वो उसकी हिफाजत भी करने वाला है, हम कौन होते हैं ज़िंदगी की हिफाजत, हमें बस केयर करनी चाहिए, थोड़ा बहुत ख्याल रखना। केयर ही है ना, आप वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन सुना है कोई इसका साइड इफेक्ट भी है तो इसलिए हम लगवा नहीं रहे। क्या क्या साइड इफेक्ट है वैक्सीन के? पहले कुछ सुना था हमने न्यूज़ में कि जिसने वैक्सीन लगवाई वो 2 साल बाद मर जाएगा, या ऐसे कोई सीन था। कितनी उम्र है आपकी? 30। तो 30 ईयर्स में आपने ऐसा क्या किया जो 2 साल मज़ीद ज़िंदा रहना चाहते हैं? नहीं, मैं तो वैक्सीन नहीं लगवाता, मुझे ज़रूरत नहीं है वैक्सीन लगवाने की। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। कोरोना वैक्सीन लगवा ली आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं लगवाई। क्यों नहीं लगवाई? भजन वो कह रहे हैं 2 साल बाद बंदे मर जाएंगे। मैं तो मशवरा दूंगा मत हजरात को कि वो अपनी बीवियों का वैक्सीन लगवाएं। क्यों? अगर अपनी बीवियों का वैक्सीन लगवाएंगे ना तो 2 साल बाद वो टूट जाएंगी। उसके बाद सारे मर्द फिर के क्या करेंगे दुनिया में? मदद करेंगे और क्या। वो वाला इरादा तो नहीं है, वो जो एक गाना था इंडियन गाना कि आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ? हाँ, यही चीज़। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बुजुर्गों, आपने वैक्सीन लगवा ली है? नहीं लगवाई। क्यों नहीं लगवाई आपने? नहीं, उसे नहीं लगवाई, बंदे आते हैं 2 साल बाद बंदा खत्म हो गया, चले याद खत्म हो गई। 2 साल बाद बंदा खत्म, मर जाएगा? मर जाएगा। आपने लगवा ली है? जी आप बिल्कुल लगवा ली लगवा ली है जी। आपको डर नहीं लगा? वो कह रहे हैं कि 2 साल बाद बंदा मर जाएगा, आपको नहीं डर लगा कि मैं मरी ना जाऊँ 2 साल बाद? जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन देखो सारी दुनिया लगवा रही है, ठीक है, हम क्या करेंगे? सारी दुनिया जब चली जाएगी तो हम क्या करेंगे? हम भी मर जाएंगे। जैसा कि हमने आज आपको दिखाया, हमने जितने भी लोगों से बात की सबका जवाब यही था कि किसी ने भी अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई। हमारी आपसे, अपनी ऑडियंस से और तमाम लोगों से गुजारिश है कि काइंडली कोरोना वैक्सीन लगवाएँ और अपने आप को और दूसरों की ज़िंदगी को महफूज बनाएँ। इसी के साथ अपने मेज़बान उस्मान लोधी को आज के लिए वॉइस पोर्टल से इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।